शैतानी कसली आध्यात्मिक है, शैतानी कसली आध्यात्मिक है, न कि मिथक या कल्पना की कल्पना। भगवान द्वारा एक परी के रूप में बनाया गया, उसने भगवान के विरुद्ध विद्रोह किया और स्वर्ग से गिर गया और उसके साथ कई अन्य स्वर्गदूतों को लाया। हालांकि हमें शैतान के साथ व्यस्त नहीं होना चाहिए, हमें भी उससे अनजान नहीं होना चाहिए। बाइबल सक्रिय रूप से उसका विरोध करने के लिए बार बार उपदेश देता है। 1 पत्रस 5:8-9 कहता है, शांत रहो, सतर्क रहो, क्योंकि आपका विरोधी शैतान एक गर्जने वाले शेर की तरह चलता है, जिसके लिए वह खा सकता है। उसे विश्वास करो, विश्वास में दृढ़ रहें, यह जानकर कि दुनिया में आपके भाईचारे द्वारा वही पीड़ाएं अनुभव की जाती हैं। शैतान सर्वव्यापी नहीं है, वह है। भगवान के विपरीत वह हर जगह एक साथ नहीं हो सकता है। वह सभी जानकार या सर्वशक्तिशाली भी नहीं है। हालांकि उनके पास असली शक्ति है, वह एक सीमित व्यक्ति है। शैतान के साथ राक्षसों और गिरने वाले स्वर्गदूतों के बहुत सारे लोग हैं जो अंधेरे के राज्य को बनाते हैं। शैतान का जिक्र करते हुए यीशु ने कहा था कि चोर चोरी करने, मारने और नष्ट करने के अलावा नहीं आता है। John 10:10। शैतान आपके पास आने का एकमात्र कारण नुकसान और विनाश लाने के लिए है। वह पूरी तरह से बुराई है, जिसमें मोचन या दया की कोई उम्मीद नहीं है। आइए उसकी 10 विशेषताओं को देखें। 1, शैतान एक धोखेबाज है। यदि शैतान की प्राथमिक प्रेरणा विनाश है, तो उसकी प्राथमिक विधि धोखाधड़ी है। यद्यपि वह नष्ट करने के लिए आता है, वह प्रकाश के एक परी के रूप में प्रकट होता है। 2 कुरिन्थियों 11:14 देखें। वह ईडन गार्डन के बाद से लोगों को धोखा दे रहा है। जब उसने आदम और हव्वा को गलत पेड़ से खाने के लिए आश्वस्त किया, यीशु ने शैतान के बारे में यह कहा, जब भी वह झूठ बोलता है, वह अपनी प्रकृति से बोलता है, क्योंकि वह झूठा और झूठ का पिता है। John 8:44। इन झूठ बोलना उसकी प्रकृति है, लेकिन उसके झूठ अक्सर सत्य की उपस्थिति लेते हैं। वे इस तरह से पैक किए जाते हैं कि बहुत से लोग उन्हें विश्वास करते हैं। 2, शैतान एक तूफान है। बाइबल में शैतान को दिए गए नामों में से एक तूफान है। 4:3-5 देखें। शैतान दुनिया की व्यवस्था और मनुष्य की पापी प्रकृति के साथ मिलकर काम करता है, ताकि वह लगातार लोगों के जीवन में प्रलोभन ला सके। वह लोगों को भगवान के विरुद्ध विद्रोह में लाने और खुद के साथ समझौता करना चाहता है। यहाँ तक कि यीशु शैतान द्वारा परीक्षा में था। अपने सार्वजनिक मंत्रालय की शुरुआत से ठीक पहले शैतान उनके सामने विभिन्न प्रलोभन लाने के लिए वहाँ था। इस दुनिया में प्रलोभन अनिवार्य है, इसलिए ऐसा होने पर गार्ड को नहीं हटाया जाए। यीशु की तरह हमें भगवान के वचन के साथ प्रलोभन के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार रहना चाहिए। 3, शैतान एक चोर है। John 10:10 यीशु ने शैतान को चोर के रूप में संदर्भित किया। शैतान उन लोगों से चोरी करना पसंद करता है जो भगवान ने उनके लिए किए हैं। वह खुशी, आशा, जीवन, प्यार, स्वास्थ्य और भाग्य चुराता है। वह अपनी विरासत के चर्च को लूटता है और लोगों को भगवान के वादे में प्रवेश करने से रोकता है। बहुत से विश्वासियों को भगवान के आशीर्वाद में नहीं चल रहे हैं, यह नहीं समझते कि चोर ने उन्हें लूट लिया है। 4, शैतान एक हत्यारा है। यीशु ने शैतान को एक हत्यारे के रूप में भी संदर्भित किया। John 8:44 में कहा कि वह शुरुआत से एक हत्यारा था। शैतान के बारे में एक विनाशकारी, घृणास्पद और हत्यारा प्रकृति है। वह मौत में प्रसन्न होता है, चाहे वह हत्या, आत्महत्या, नशीली दवाओं का अधिक मात्रा, गर्भपात, बीमारी या अन्यथा। शैतान एक विनाशक है। वह निश्चित रूप से लोगों को मारना चाहता है, लेकिन परिवार, चर्च, सपने और सूची भी चल सकती है। 5, शैतान एक विकृत है। शैतान एक निर्माता नहीं है। इसके बजाय वह भगवान ने जो बनाया है उसे लेता है और इसे बदल देता है। इसका एक प्रमुख उदाहरण कामुकता का क्षेत्र है। शादी के अनुबंध के संदर्भ में भगवान ने पति और पत्नी द्वारा आनंद लेने के लिए सेक्स बनाया। शैतान ने भगवान के इस उपहार को लिया है और इसे संभोग, व्यभिचार, समलैंगिकता, अश्लीलता
और अन्य विकृतियों के माध्यम से विकृत कर दिया है। शैतान के विरूपण का एक और उदाहरण भगवान की शक्ति का जल सजी है। आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि पवित्र आत्मा के हर वास्तविक उपहार के लिए शैतान का नकली है। उदाहरण के लिए भविष्यवाणी के उपहार का नकली गुप्त विभाजन है। मनोविज्ञान भविष्यवाणियों के ज्योतिषी और झूठे भविष्यद्वक्ताओं एक राक्षसी भावना में काम कर रहे हैं जो भविष्यवाणी के सच्चे उपहार की नकल करता है। हालांकि यह एक संपूर्ण सूची नहीं है, यह आपको हमारे दुश्मन की प्राथमिक विशेषताओं का एक विचार देता है। अब जेम्स की सलाह का पालन करें, शैतान का विरोध करो और वह आपसे भाग जाएगा। जेम्स 4:7-6 शैतान अक्यूजर है। शैतान का मुख्य काम लोगों के सामने भगवान पर आरोप लगा देना है। वह उनका आरोप क्यों लगाता है? क्योंकि वह नहीं चाहता कि उन लोगों को पाप बचाया जाए और हमेशा के लिए न्याय से मुक्त रहें। वह चाहता था कि उन्हें उनके साथ नरक की आग में फेंक दिया जाए। वह हमें हमेशा की आग से पीड़ित होना चाहता है। हम Mark 9:44-48 की सुसमाचार में पढ़ते हैं, जहां उनकी कीड़ा मर जाती है और आग बुझ नहीं जाती है। शैतान कैसे बाइबल के विभिन्न हिस्सों में भगवान के लोगों का आरोप लगाता है? उदाहरण के लिए हम Job 1:8-12 की पुस्तक में पढ़ते हैं और Job 2:1-5 में पढ़ते हैं, और यहोवा ने शैतान से कहा, तुम कहाँ से आए हो? तब शैतान ने यहोवा का उत्तर दिया और कहा, पृथ्वी पर और वहाँ से जाने और उसमें ऊपर और नीचे जाने से। और यहोवा ने शैतान से कहा, क्या तू मेरे दास अय्यूब को मानता है कि पृथ्वी पर उसके जैसा कोई नहीं, एक सिद्ध और ईमानदार मनुष्य है जो परमेश्वर से डरता है और बुराई से घृणा करता है? तब शैतान ने यहोवा का उत्तर दिया और कहा, क्या अय्यूब कुछ भी नहीं के लिए भगवान से डरता है? क्या तू उसके बारे में और उसके घर के बारे में और उसके पास जो कुछ भी है उसके बारे में कोई बचाव नहीं किया है? तूने अपने हाथों के काम को आशीर्वाद दिया है और देश में उसका पदार्थ बढ़ गया है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाओ और जो कुछ उसके पास है उसे छुए और वह तुझे तेरे चेहरे पर शाप देगा। आइए हम एक और स्रोत देखें जो शैतान के साथ क्या हुआ उससे निकले। हम Khulase 12:10 की किताब में पढ़ते हैं, और मैंने स्वर्ग में एक बड़ी आवाज सुनाई, अब मोक्ष ताकत और हमारे परमेश्वर के राज्य और उसके मसीह की शक्ति आ गई है, क्योंकि हमारे भाइयों के दोषियों को गिरा दिया गया है जिसने उन्हें हमारे भगवान के सामने पेश किया। और रात यीशु के काम के कारण भगवान का शुक्र है। शैतान को धरती पर फेंक दिया गया था और वह इस धरती में हमारे द्वारा किए गए हर पाप का आरोप लगाने के लिए भगवान के सामने खड़ा नहीं हो सकता है। यीशु मसीह का खून हमें हमारे पापों और अधर्म से बचाता है। क्या आप अपने अनंत काल को शैतानों और उसके स्वर्गदूतों के साथ बिताना चाहते हैं? यदि आप इससे बचना चाहते हैं, तो यीशु की तलाश करें। 7 शैतान मास्टर रेजिस्टर है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों अधिकांश लोग पवित्रता प्राप्त करने और भगवान की चीजों को करने में विफल रहते हैं? इसका कारण यह है कि जो कुछ भी करने की योजना है उन्हें करने से उनका प्रतिरोध करता है। वह अपने सभी कार्यों को अस्वीकार करता है और विफल होने की अपनी योजना को कम करता है। वे कोई फल नहीं देखेंगे। हम Zechariah 3:1 की पुस्तक में भी पढ़ते हैं, और उसने मुझे यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा दिखाया और शैतान उसके विरोध में उसके दाहिने हाथ पर खड़ा था। यहाँ शैतान महायाजक यहोशू पर आरोप लगा रहा था क्योंकि उसके पुजारी वस्त्र गंदे पाए गए थे। 8 शैतान एक एनवियर का विटर है। वह हमेशा उन चीजों को पसंद करता है जो उसके नहीं है। वह ईश्वर की महिमा और स्वयं के लिए भगवान की पूरी सृष्टि को दूर करने के लिए उत्सुक है। वह हमारी आत्मा, हमारे पैसे और जो भी हमें उन्हें ले जाना है चाहता है। हम Yeshaya 14:12-15 की किताब में पढ़ते हैं, क्योंकि आपने अपने दिल में कहा है, मैं स्वर्ग में चढ़ जाऊंगा, मैं अपने सिंहासन को भगवान के सितारों से ऊपर उठाऊंगा, मैं भी मंडली के पहाड़ पर बैठूंगा, उत्तर के सबसे दूर के किनारे पर, मैं बादलों की ऊंचाई से ऊपर चढ़ जाऊंगा,
मैं सबसे उच्च जैसा हो जाऊंगा। यहाँ शैतान भगवान के निर्माण के उच्चतम स्थान पर बैठना चाहता था। उन्होंने सपने देखने का सपना देखा कि भगवान और ईश्वर के निर्माण ने उसे हेलफियर में लाया था। 9. शैतान अबाडन और अपोलियन है। शैतान का दूसरा नाम हिब्रू में अबेडन और यूनानी में अपोलियन है, जिसका अर्थ है विनाश। वह आपके जीवन में विनाश का कारण बनता है, जिससे हम सभी प्रकार की विनाशकारी विशेषताओं को बढ़ा सकते हैं। शैतान हमारे रिश्ते, हमारी शादी, हमारी ईमानदारी और इतने पर नष्ट कर देता है। और उनके ऊपर एक राजा था जो तलहटी गड्ढे का परी है, जिसका नाम हिब्रू भाषा में अबदाडन है, लेकिन यूनानी भाषा में उसका नाम अपोलियन है। रहस्य उद्घाटन अध्याय 9 पद 11-10। शैतान मास्टर सड्यूसर है। शैतान लोगों को लुभाने के लिए सभी साधनों का उपयोग करता है। वह धर्म, राजनीति, जाति, अन्य साधनों का उपयोग करता है ताकि लोग ईश्वर से भटक सके। हम प्रकटीकरण अध्याय 20 पद 8 की पुस्तक में पढ़ते हैं, जैसा कि निम्नानुसार है, और उन जातियों को धोखा देने के लिए बाहर निकलेंगे जो पृथ्वी के 4/4 भाग में हैं, गोग और मेगोग, उन्हें युद्ध में इकट्ठा करने के लिए इकट्ठा करेंगे, जिसकी संख्या समुद्र की रेत की तरह है। आखिरकार शैतान और उसके द्वारा धोखे गए सभी लोगों को आग की झील में फेंक दिया जाएगा। रहस्य उद्घाटन 20:10। और जो शैतान उन्हें धोखा दे रहा था, वह आग और गंध की झील में डाला गया था, जहाँ जानवर और झूठे भविष्यद्वक्ता है और हमेशा और हमेशा के लिए दिन रात पीड़ित होंगे। सौभाग्य से भगवान का शुक्र है, अच्छी खबर है, अगर हम यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, तो शैतान के पास कभी भी हमारे ऊपर कोई शक्ति नहीं होगी। यीशु हमें शैतान और उसके गिरने वाले स्वर्गदूतों की शक्ति से बचाता है। यीशु ने शैतान पर अपने बच्चों को अधिकार दिया, देखो मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं और दुश्मन की सारी शक्तियों पर चलने की शक्ति देता हूँ, और किसी भी तरह से आपको चोट पहुँचाने की जरूरत नहीं है। लूका 10:19। इसके अलावा यीशु ने हमें शैतान की शक्ति से मुक्त करने के लिए, गैर विश्वासियों से बाहर निकालने के लिए शैतान और उनके स्वर्गदूतों पर अधिकार दिया। और जब उसने अपने 12 शिष्यों को उसके पास बुलाया, तो उन्होंने उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर शक्ति दी, उन्हें बाहर निकालने और सभी प्रकार की बीमारियों को ठीक करने के लिए दिया। मैथ्यू 10:1। प्रश्न, आपके लिए 10 में से कौन सा विशेषताओं का सामना करना पड़ता है? शैतान की अन्य विशेषताएं क्या आप सोच सकते हैं? बाइबल से शैतान की प्रकृति के बारे में आपको और समझ है? क्या आप हमारे सभी लोगों के साथ साझा करते हैं ताकि लोग जागरूकता प्राप्त कर सकें और फिर वे शैतान की चाल या धोखाधड़ी के खिलाफ खड़े हो सकेंगे?